चलिए हम लोग वीडियो नंबर 5 का कुछ जर्नल एंट्री था उसको सॉल्यूशन करना था। तो चलिए आज हम लोग वीडियो नंबर 5 का जर्नल एंट्री को सॉल्यूशन करते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी बैंक। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, आप जमा कर रहे हैं कैश इनटू किस बैंक में, आप पीएनबी बैंक में। डिपॉजिट मतलब जमा कर रहे हैं, यानी कि जमा कर रहे हैं कैश इनटू पीएनबी बैंक। जब कितना का, 10,000 का जब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन में आपको देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन सा है। अकाउंट्स आपका कैसा है और कौन है, पीएनबी बैंक। कैश आपका कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और ये आपका पीएनबी बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब आप पहचान लिए कि एक रियल और दूसरा पर्सनल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है आपको पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, वीडियो नंबर 4 में गोल्डन रूल, कि आप रूल याद कर लीजिएगा। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग रूल याद कर लिए होंगे। रूल क्या बताए थे, पढ़ाए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट रूल बताए थे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट रूल बताए थे डेबिट वाज कमिंग और क्रेडिट वाज गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट रूल बताए थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ये रूल हम आप सबको बता चुके थे। तो आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट आप कैश जमा कर रहे हैं पीएनबी बैंक में, तो पीएनबी बैंक आपका रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, तो आपका पीएनबी बैंक तो रिसीवर हुआ, क्योंकि आप कैश जमा करिएगा पीएनबी बैंक क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो पीएनबी बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया। अब कैश आपके पास से क्या हो रहा है, गो हो रहा है। जब कैश आपके पास से गो हो रहा है, तो भाई आपका रूल कह रहा था रियल अकाउंट का डेबिट वार्स कमिंग और क्रेडिट वार्स गोज आउट, आने वाले को डेबिट में और जाने वाले को क्रेडिट में। कैसे आपके पास से जा रहा है, तो जाने वाले किस में करेंगे, क्रेडिट में। कैसे आपका क्रेडिट में होगा तो ऑटोमेटिक है, तो आपका बैंक किस में चले जाएगा, डेबिट में, क्योंकि आपका बैंक, आप जमा कर रहे हैं तो बैंक आपका क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जब रिसीव कर रहा है तो रिसीव करने वाले किस में डालेंगे, डेबिट में। तो आपका एंट्री हो जाएगा पीएनबी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसका नरेशन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, नरेशन आपका बीइंग फॉर डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जर्नल एंट्री 3, ओह 2 आपका क्या हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो देखिए जर्नल नंबर 3 क्या है, 2 वाला अगले वीडियो में या इसके लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री 3 देखिए, जर्नल एंट्री 3 कह रहा है आपका 3 अप्रैल को, आप क्या क्या कह रहा है, वो डेट दिया हुआ है 3 अप्रैल को पार्टनर डिपॉजिट कैश इनटू आंध्रा बैंक कितना है, 7500। यहाँ पे सिंपल से क्या है, 3 अप्रैल को क्या रहा है, डेट दिया हुआ है 3 अप्रैल को पार्टनर यानी कि होस्ट के जो आपके साथ रहते हैं वो पार्टनर, वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट का कैश इनटू किस बैंक में, आंध्रा बैंक में। तो आपको पता था पहले वाले पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जर्नल एंट्री को कितने कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, 5 कॉलम में। एक डेट, डेट कॉलम में आप डेट डाल दीजिएगा, एक पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर, एक लेजर LF लेजर फोलियो, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कॉलम वाइज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कॉलम वाइज नहीं बनाए, ठीक है। आप लोग, आप सबको बता दिए कॉलम वाइज कैसे बनाना है, इसमें हम सिंपल ट्रांजेक्शन हम बनाए हैं। तो आपका डिपॉजिट कर रहे हैं कैश इंटू आंध्रा बैंक में, तो आपका इसमें से अकाउंट कैश हो गया और आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक आपका पर्सनल अकाउंट और कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। जब रियल अकाउंट से, तो आपका आंध्रा बैंक क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है कैश को। जब रिसीव कर रहा है तो क्या हो गया, तो पर्सनल अकाउंट से रिसीव कर रहा है, तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर यानी रिसीव करने वाले को डेबिट में। तो आपका आंध्रा बैंक अकाउंट किस में हो जाएगा, डीआर में। तो आंध्रा बैंक आपका डीआर में हो जाएगा, तो कैश किस में चले जाएगा, सीआर में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई कैश आपका एसेट है, एसेट है तो आप जमा करें, कैश आपके पास से गो हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर जर्नल एंट्री। 4 नंबर कह रहा है 4 अप्रैल विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक, अमाउंट डीआई 6,000। विड्रॉ मतलब होता है निकासी, आप निकासी कर रहे कैश किस बैंक से, फ्रॉम आप एसबीआई बैंक से, कितना, 6,000। तो आपके में से इसमें अकाउंट्स है, कैश है और दूसरा एसबीआई बैंक है। तो कैश, अब जब एसेट है वो क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रूल कहता है डेबिट वार्ड्स कमिंग क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, आने वाले को डेबिट में और जो गो हो रहा है तो क्रेडिट। कैश तो आपके पास आ रहा है, कैश किस में हो जाएगा, आपका डीआर में हो जाएगा। और इसके बाद एसबीआई बैंक आपका किस में हो जाएगा, सीआर में। क्यों, क्योंकि वो गिवर है एसबीआई बैंक, वो पर्सनल अकाउंट से, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक टू में आ जाएगा। अब अगला देखिए जर्नल एंट्री 5। जर्नल एंट्री 5 अप्रैल को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं विथ
कैश जो लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं, 50,000। जब 50,000 आप कैश लगा रहे हैं तो इसका एंट्री बनेगा आपका, क्योंकि कैश जब लगाइएगा बिजनेस में फिर कैश वो क्या होगा वापस आएगा, इसीलिए वो एसेट क्या हो जाएगा आएगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो रहा है कैपिटल, यानी कि आपका पूंजी, इसीलिए आपका टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका जर्नल एंट्री सिक्स, जर्नल एंट्री सिक्स आपका है गुड्स परचेज फॉर कैश अमाउंट आपका 60,000। गुड्स परचेज फॉर कैश अमाउंट कितना दिया हुआ है 60,000। गुड्स यानी कोई भी सामान आपके आकर, गुड्स मतलब कोई सामान आप परचेज करें फॉर किस से, कैश से। तो जब कैश से आप परचेज कर रहे हैं तो आपके पास कोई गुड्स वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा डीआर में, जब परचेज गुड्स दिया रहेगा तो परचेज अकाउंट किस में हो जाएगा डीआर में हो जाएगा। तो जब परचेज करिएगा कैश एसेट क्या हो रहा है आपके पास से गो हो रहा है, जब गो हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम सीआर में, क्यों, क्योंकि वो रियल अकाउंट रूल करता है डेबिट वर्ड्स कमिंग क्रेडिट वर्ड्स गो जाओ, आने वाले डेबिट जाने वाले को क्रेडिट में। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका जर्नल एंट्री सेवन, जर्नल एंट्री सेवन में है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं फ्रॉम किस से, पंकज से, मतलब ऑन क्रेडिट मतलब उधार, आप क्या कर रहे हैं पंकज से कोई सामान खरीद रहे हैं, यानी कि आप कोई सामान पंकज से खरीद रहे हैं मतलब ऑन उधार, ऑन क्रेडिट मतलब उधार क्रेडिट पर, यानी कोई उधार सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अकाउंट है परचेज और दूसरा पंकज, परचेज जब अकाउंट से परचेज गुड्स दिया रहेगा तो परचेज आपका क्या बोलता है कि डेबिट फ्रॉम पंकज, पंकज आपका सिंपल सा ऑन क्रेडिट मतलब आप पंकज से क्या कर रहे हैं सामान क्रेडिट कर रहे हैं, तो आपका पंकज क्या हो गया पंकज आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका पंकज इसीलिए क्रेडिट हो गया क्योंकि आप सामान उसे खरीद रहे हैं, पंकज क्या कर रहा है आपको सामान दे रहा है वो गिवर हो गया, इसीलिए पंकज किसमें हो जाएगा आपका टू में। अगला क्वेश्चन आपका है एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 अप्रैल को आप गुड्स सोल्ड टू रोना ऑन क्रेडिट। यहाँ पर कोई सामान आप क्या किए सोल्ड किए किसके पास रोना के पास, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, जब आप रोना से क्या करें सोल्ड किए आप सामान रोना के पास ऑन क्रेडिट मतलब उधार, तो आपका गुड्स सोल्ड मतलब आप सामान क्या करें वो बेच रहे रोना के पास ऑन क्रेडिट, तो इसका एंट्री बनेगा आपका रोना अकाउंट डेबिट, क्योंकि रोना रिसीव कर रहा है, रोना पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट है, तो एक डेबिट आ गया तो सेल्स किस में चला जाएगा क्रेडिट में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जर्नल एंट्री नाइन कर रहा है गुड्स रिटर्न टू पंकज, वहाँ पर गुड्स क्या कर रहा था पंकज रिटर्न किया था पिछले जर्नल एंट्री में, यहाँ पर क्या कर रहा है पंकज आपको रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ आपका सामान आपका डैमेज होगा गुड्स, इसी कारण से पंकज क्या कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है, वहाँ पर पंकज आपका क्या किया था परचेज किया था, आई यहाँ पर क्या कर रहा है परचेज आपका रिटर्न हो रहा है, जब आपका परचेज आप डेबिट वहाँ पर लिखे थे, जब परचेज आपका रिटर्न होने लगेगा ट्रांजेक्शन में तो आप क्या करिएगा जब परचेज रिटर्न हो जाएगा तो परचेज अकाउंट क्या कर दीजिएगा क्रेडिट में कर दीजिएगा, ठीक है, तो परचेज क्रेडिट में हो जाएगा तो भाई आपका पंकज किस में चले जाएगा डेबिट में चलेगा, क्योंकि पंकज क्या कर रहा है वो आपका रिटर्न कर रहा है गुड्स को, ठीक है, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज वहाँ पर परचेज किया था परचेज अकाउंट डीआर हो गया परचेज डीआर लिखे थे, और यहाँ परचेज रिटर्न हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांजेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं आपका, अगला ट्रांजेक्शन आपका है जर्नल एंट्री 10 जर्नल एंट्री कह रहा है आपका गुड्स रिटर्न बाय रोना, पिछले ट्रांजेक्शन में वहाँ पर क्या कर रहा था आप सोल्ड किए थे गुड्स किसके पास रोना के पास, अब रोना क्या किया आपको 18,000 का गुड्स क्या कर दिया वो रिटर्न कर दिया, जब रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर सेल्स आपका क्या हो गया रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स जब रिटर्न आएगा तो वहाँ सेल्स किसमें दिए थे आप सीआर में, तो जैसे रिटर्न करेगा आपका ट्रांजेक्शन जस्ट उसका उल्टा बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू रोना अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा नरेशन लिख दीजिएगा, क्योंकि हम नरेशन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं आप लोग अपने से नरेशन लिख लीजिएगा, सारे ट्रांजेक्शन को नरेशन तो हम एक बार बता ही दिए हैं सारा ट्रांजेक्शन का अपने से नरेशन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कैश पेड टू अजय, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कैश पेड कर रहे हैं टू किसके पास अजय के पास कितना 6,000, कैश पेड टू अजय तो कैश डेबिट टू अजय अकाउंट,
सॉरी हाँ, कैश आप पेड कर रहे हैं किसके पास, अजय, अजय आपका रिसीव कर रहा है कैश, अजय अकाउंट किस में आ जाएगा, डेबिट। तो कैश एसेस्ट वो क्या हो रहा है, गो हो रहा है, जब गो हो रहा है तो किस में आ जाएगा आपका कैश, सीआर में। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट रियल, रियल अकाउंट से रूल करता है डेबिट वाट्स कमिंग क्रेडिट वाट्स गो जाओ, आने वाले डेबिट में जाने वाले को क्रेडिट में, कैसे आपके पास गो हो रहा है इसीलिए किस में चले जाएगा, क्रेडिट में चले जाएगा। जर्नल एंट्री अगला देखिए, 12 नंबर, 12 नंबर जर्नल एंट्री आपका है यहाँ पे, कमीशन रिसीव 7500। आप यहाँ कमीशन क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कितना, 7500। तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश के ही द्वारा आप रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप कैश के द्वारा रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश के द्वारा ही आप रिसीव कर रहे हैं, कैश आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टू, यहाँ पर कमीशन रिसीव 7500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फर्नीचर परचेज, जब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर किसके, अगर यहाँ पर देखिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कितना का, 30,000 का, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो कैसे ही कर रहे हैं, अगर क्रेडिट पर आता तो क्रेडिट दिया रहता है, यहाँ पर क्या करें फर्नीचर परचेज अगर आपका ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, सोच लिए फर्नीचर आप परचेज करें किससे, आप कैसे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब गुड्स का नाम दिया हुआ है परचेज के, जब परचेज गुड्स रहता है तो परचेज अकाउंट डीआर, तो गुड्स का नाम जब अगर दे दें तो परचेज ना, तो क्या हो जाएगा, गुड्स का नाम दिया तो गुड्स अकाउंट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर डेबिट हो जाएगा। टू आपका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जब नहीं दिया ट्रांजेक्शन में तो सोच लीजिएगा कैश मेरा इसमें है, आप फर्नीचर परचेज के लिए तो कैसे ही करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद ये क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला जर्नल एंट्री आपका 14 नंबर, 14 नंबर जर्नल एंट्री कर रहा है रेंट पेड टू अमित, यहाँ पर रेंट क्या कर रहे हैं आप, पेड कर रहे हैं टू किसके पास, अमित के पास। जब रेंट पेड कर रहे हैं तो किससे, कैसे ही पेमेंट करते होंगे, तो कैसे जब पेमेंट कर रहे हैं रेंट पेड, तो हम यहाँ क्या करते हैं उसके नाम को नहीं दर्शाएंगे, जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू, आप कैश से ही पेमेंट करते हैं, कर रहे हैं इसीलिए, तो क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। और नरेशन इसका अपने से लिख लीजिएगा सारे ट्रांजैक्शन का, हम फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन बता दिए कैसे कैसे करना है वो सारे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, यहाँ पर आप सोल्ड मतलब बेचना, आप कोई सामान बेच रहे हैं सेल्स कर रहे हैं, टू किसके पास, सुमित फॉर किससे, कैश से। जब कैश से आप सेल्स कर रहे हैं तो आपका रिलेशन सोल्ड और कैश में बन रहा है, सुमित से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताए थे कि सोल्ड गुड्स टू कैश, आप तो कैश आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है एसेस्ट है वो आ रहा है, जब कम हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट रूल करता है डेबिट व्हाट कम इन, यानी कि आने वाले को डेबिट में, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट डाल दीजिएगा 10,000। अगला करा है टू सेल्स अकाउंट, अगला क्वेश्चन आपका है कैश सेल 50,000, आप कैश को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश सेल कर रहे हैं तो भाई टू सेल्स अकाउंट्स, ठीक है, आप कर दीजिएगा 50,000 रुपया अमाउंट डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम रोना ऑन अकाउंट 5,000, कहने का मतलब आप कैश रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम किस से, रोना से, ऑन अकाउंट 5,000। जब कैश रिसीव करिएगा कैश एसेस्ट है, कैश एसेस्ट है तो आपके पास आ रहा है, जब कैश आपके पास आ रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वाट कमिंग क्रेडिट वाट गोज आउट, आने वाले को डेबिट जाने वाले को क्रेडिट, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा आपका, अमाउंट डाल दीजिएगा 50,000 टू रोना अकाउंट, क्योंकि रोना आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, हो गया। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज यहीं तक, फिर अगले दिन आप सबसे मिलेंगे, आप सबका दिन शुभ हो।